नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंद भारत न्यूज में। और एक ऐसा कार्यक्रम जो सदियों से आप सबके बीच में मैं लेकर आता रहता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि जो जीवन में आपका सच है, या यूं कहें कि जो आप छुपाना चाहते हैं, या मेरे शब्दों में कहें तो उस शब्द का तिलांजलि कैसे दे सकते हैं, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा है। और किसी ने खूब लिखा है कि कुछ वक्त के साथ यूं गुजर जाते हैं, कुछ यादों के सहारे वो बूढ़े हो जाते हैं, जमाने फिर भी अपने साथ चलते हैं, होशियारी फिर भी साथ चलती है। और इसी होशियारी और जवानों के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं जो आप सबके विचलित भी करती है और आपको परेशान भी करती है। और उसी घटनाओं में कुछ पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते की कुछ घटनाएं मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और वो घटनाएं ऐसी हैं कि जिसको आप सोचकर आपके रूह कांप जाए, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और इन्हीं घटनाओं और सोच के साथ मैं कुछ बात भी आपके साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप इसी सोच के साथ गुजर रहे हैं, या यूँ कहें कि ये सोच आपने अपनी जेहन में पाल रखी है, तो मेरी बातों को जरा गौर से जरूर सुनिएगा। और सुनकर समझकर एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा समाज में कैसे लोग रहते हैं जो अपनी पत्नी का सर काट देते हैं, और ऐसे समाज में कैसे लोग रहते हैं जो अपनी पत्नी को एक टॉयलेट और शौचालय में बंद कर देते हैं। हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये जरा इस आप वीडियो में जरूर देखिएगा। क्योंकि मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, शायद आपको लगता होगा कि क्या है, एक शब्द ही है, लेकिन शब्द नहीं है, वो आपके दिल से जुड़ी हुई एक जो आवाज़ है, मैं उसको खरोचने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपकी जमीर और लोगों की जमीर के बीच एक अंतर बना रहे। क्योंकि कोई अपनी बीवी का सर पूरे मार्केट में कुछ बाजारों में लेकर ना घूमे, वो क्यों होता है? कोई अपनी बीवी को इतना ना तड़पा दे कि बीवी कहे कि इससे अच्छा तो मौत ही बेहतर है। और ये घटना करनाल में ऐसा हुआ है, और जो घटना भी यूपी के अंदर हुआ है वो घटना कैसी है, जो बांदा की घटना है, जो गोंडा की घटना है, जो बलरामपुर की घटना है, या यूं कहें कि जो करनाल, पानीपत और गुरुग्राम की घटना है, वो आपको क्या सबक देती है कि एक व्यक्ति इतना अपने जीवन में अहंकार में आ जाता है, या ये व्यक्ति एक ऐसा अपनी सोच अपने मन में डेवलप कर लेता होगा, कैसे करता होगा? जरा कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो गोंडा की घटना है, आप जो अलग अलग टेलीविजन के माध्यम से आप देख रहे होंगे, उस घटना को जरा कल्पना करके आप देखिए अपने जीवन में, आपकी रूहें कांप जाएंगी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है। बात यहां तक हो समझ में आती है, ठीक है, गलती किसी के साथ होती है, मैं उस टॉपिक्स पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके आगे भी एक बात होती है कि वो इतना आवेश में आ जाता है, अपनी बीवी का सर काटता है, और लगभग दो किलोमीटर, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, 2 किलोमीटर तो बहुत छोटा सा रास्ते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा रास्ता होता है। वो 2 किलोमीटर तक अपनी बीवी का सर हाथ में लेकर और एक हाथ में तलवार पूरे गोंडा में घूम रहा है, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, खूनी के साथ कौन मुंह लगता है? बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति सरेआम, वो भी दिन के समय पर, अपनी पत्नी का सर काटता है और पूरे मार्केट घूमता है, और उसको कोई बोलने वाला तक नहीं है। ये सोचने का सब्जेक्ट है कि हम किस देश में रहते हैं, गांधी के देश में, बुद्ध के देश में, राम के देश में, कि कृष्ण के देश में, कि रावण के देश में? और मेरे शब्दों में कहें तो हम लोग रावण के देश में ही रहते हैं, क्योंकि शायद रावण के समय में ऐसा होता होगा, लेकिन हमने तो किताबों में और कहानियों में ही सुना है, लेकिन आज जब प्रत्यक्ष आपके सामने आता है तो आपकी सोच पे चोट करता है, और चोट इतना भयानक होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति ये सोच में पड़ जाता है कि क्या भारत सही मायने में रहने लायक है कि नहीं है। शायद बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हो सकता है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा विचार तो यही कहता है कि समाज में बदलाव की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी ज़्यादा ज़रूरत शायद पैसों की, व्यापार की और नौकरी की नहीं है। नहीं तो ऐसी घटनाएं होती नहीं हमारे जीवन में। एक सरेआम लड़की का गैंगरेप होता है, एक सरेआम लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, एक सरेआम लड़की को ना जाने क्या क्या यातनाओं से गुजरना पड़ता है। बक्सर की घटना देखिए, 10 लोगों ने एक लड़की से गैंगरेप करते हैं, और उसके बाद वहाँ के लोग, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, वो उसको कहता है कि ये गलती से हो गया होगा।
मैं बात वहां तक भी नहीं रोकना चाहता, मैं बात आप तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि इस सोच के साथ कि जिस सोच में हम आज नवरात्रि के समय पर हम बैठे हैं, स्त्री को माँ का दर्जा देते हैं और उस स्त्री के साथ हम नोचते खचोटते पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ऐसी हजारों घटनाएं आपको प्रतिदिन पत्रिकाओं में, न्यूज में, पेपरों में सुनने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का मैंने एक खबर पढ़ा, एक राहुल नाम के लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से प्यार किया और उसका सरेआम उसका कत्ल हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? शायद आप कहते होंगे कि उसने एक अलग कास्ट में शादी कर लिया, हो गया। मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति की बातें में छोड़ता हूँ, मैं बाहर बहुत सारे लोगों का जो लोग जानते हैं कहते हो महाराज बड़े तीखी बात करते हैं, तीखी वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि किस सोच के साथ हम जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं, और जो सोच के बीज हम डाल रहे हैं वो एक दिन जब पेड़ होगा तो फिर ये देश हमारा सीरिया होगा, इराक होगा, ईरान होगा, जहाँ पर सरेआम इंसानों की कत्ल होती है। अभी तो एक छोटी सी शक्ल है, वो सिर्फ अभी छोटा सा सिर्फ बीज जो है, अंकुर जरा सा फूटा है हल्का सा, जब उसका पेड़ बनेगा तो क्या हालत होगा जरा सोच कर देखिए। जो सीरिया में हुआ है, जो अफगानिस्तान में हुआ है, वो भारत में कल होगा। इस सोच को चैलेंज कौन करेगा? इस सोच को चैलेंज आपको और हमको करना पड़ेगा, और ये सोच एक दिन में बदल नहीं सकता है, क्योंकि जब आपने स्त्री को स्त्री समझा नहीं, बस वहीं पर सोच आपकी गड़बड़ हुई। जब आपने एक लड़की को लड़की समझा नहीं कि वहीं पर सोच आपकी गड़बड़ हुई। मेरा ये मानना है, जो मैं इतने वर्षों से देश और देश के बाहर में जो चर्चा सरकार के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, वो सिर्फ यही कहता हूं, इक्वलेशनसी जो आपके जीवन में भर गई है, जो पुरुष की जो एक विडंबना इस देश में चल रही है, उस सोच को आपको तोड़ना पड़ेगा, और वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। हजारों साल की सोच अभी तक चल रही है। बस मैं लोगों से कहता हूं, एक काम आप करिए, अगर आपके घर में बहन है, आपके घर में बेटी है, आपके घर में माँ है, आपके घर में कोई भी स्त्री है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा आपको आज से काम करना है। और मुझे लगता है कि भारत को सिर्फ एक एक सिंपल स्टेप ने पूरी समाज की धारणाओं को और मिथ्याओं को तोड़ कर रख देगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हिंद भारत पर, कि अगर आपने उस सोच वाक्य है, मुझे लगता है कि किंगडम ने बड़े सोच समझ कर अपने जीवन में लिखा होगा। आज ठीक उसके उल्टा सीनेरियो हो रहा है। प्रेम प्यार की बातें बहुत दूसरी है, मेरा मेरा और मेरा, ये जो तीन हम बार बार मेरा मेरा कर रहे हैं, ये हमारी सोच को बदस्तूर एक दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर हम सिर्फ ये मान के चलें कि मैं पुरुष हूँ, एक सामने स्त्री है, बस और कुछ नहीं करना, तो ये बात बदलेगी नहीं। सिर्फ मुझे मानना है कि मैं इंसान हूँ, सामने वाला इंसान है, बस आपको इतना ही काम करना है। स्त्री शब्द को हटा देना है अपने डिक्शनरी से, और पुरुष शब्द को तो कब का कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। मैं नहीं कहता पूरे पुरुष समाज गलत हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। मैं भी एक पुरुष प्रधान जीवन में हूं, तो मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन जिस दिन आपने स्त्री से स्त्री हटा दिया, सिर्फ इंसान उसके साथ जोड़ दिया, सिर्फ आपने कनेक्शन इंसान का किया, उसी दिन आपकी पूरी धारणाएं बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप घर में खुद अनुभव करिए, जब आपकी पत्नी होती है, जब आपकी बहन होती है, जब आपकी माँ होती है, आपकी पूरी औरा धारणाएं बदल जाती हैं। लेकिन जब आप दूसरे को देखते हैं, आपकी तुरंत वहां पर धारणाएं बदल दूसरी हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्त्री शब्द को हटाकर सिर्फ इंसानियत को, शब्द को, इंसान को जोड़ देना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। तो ये शायद गैंगरेप बलरामपुर की ना हो, ये शायद बक्सर का वाक्या ना हो, शायद गोंडा की वाक्या ना हो, शायद ये आपके पानीपत का वाक्या ना हो, शायद करनाल का वाक्या ना हो, और ना जाने अनगिनत कुछ चीजें तो हम तक पहुंचती है, कुछ हमारे तक पहुंच भी नहीं पाती। तो शायद मुझे लगता है कि भारत एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो उम्मीद है इस चर्चा आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहें, अपनी राय जरूर हमें देते रहें। आप देखते रहिए हिंद भारत न्यूज, और जुड़े रहिए खबरों के साथ। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।